सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, खाना पीना तो हो चुका है और टाइम भी वैसे तो 10 बज चुके हैं। मैंने खाना पीना कर लिया, तो नहा धो के भी रेडी हो गया हूँ। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि डैडी जी आज सुबह सुबह जा रहे हैं मार्केट, तो उन्होंने थोड़ा मार्केट से सामान लाना है। तो 2 घंटे आप बैठते हैं शॉप पे, तो शाम को देखते हैं क्या भी रहता है। तो अभी तो वैसे टाइम नहीं हुआ है, पहले तो दुकान पे चलते हैं, क्योंकि 2 घंटे तो मैक्सिमम बैठना ही पड़ेगा। तो इतने में थोड़ी शाम हो जाएगी और फिर देखते हैं क्या सीन रहता है शाम का। तो फिलहाल अब के लिए पहले शॉप पे चलते हैं। सो गाइस, अमरूद मिले हैं शॉप से जाने से पहले, ये नाम है। तो पहले अमरूद खा लेते हैं आप लोग। ये तो पहले से ही भाई इसने पूरा ले रखा है, पूरा खा रहा है ये तो। भाई बोल दो। सो गाइस, पहुंच चुका हूँ शॉप पे। अजय सेठ बन रहा था, तो फाइनली डैडी जी आ चुके हैं। फिलहाल अब जल्दी से चलते हैं घर पे, और इधर सब्जी लगाई जा रही है बाहर। तो गाइस, मैं भी घर आ चुका हूँ अब अपने। हाल पीते हैं चाय और फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ले आया हूं हमारे स्कूल में जहां मैंने स्टडी की है। तो आपको आज पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करवाता हूं, आपको क्लास बताता हूं। तो गाइस, ये सामने वाला जो कमरा है ये हमारा होता था, 10th क्लास का होता था गाइस, तब वाले टाइम में। अब तो पता नहीं कौन सी क्लास बैठती है इसमें। तो फिलहाल ये हमारा रूम होता था 10th क्लास का, और ये हमारी पानी वाली टंकी, ये टूटी, बहुत पुरानी है गाइस। तो गाइस, बता दूं कि वो दिन कभी नहीं भूल सकते जो जैसे 10th में पढ़ते थे, और वो दिन कभी नहीं भूल सकते, और ना ही वो टीचर्स भूल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे लगाव था। तो गाइस, ये पौधे वगैरह तो अब लगे हुए हैं, बहुत बड़े हो रहे हैं। तो वैसे तब इतने पौधे नहीं थे, अब तो वैसे हरियाली होगी पूरे ग्राउंड में और पूरे स्कूल में। तो गाइस, ये हमारा साइंस रूम था, इस लैब थी साइंस की, और ये छोटी सी पार्क थी, इसमें बैठते थे, फुल मज़ा आता था। तो गाइस, मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ कि मेरा व्लॉग बनाने का क्या मकसद है, कि मैं अपनी जो ज़िंदगी है ना, वो जो लाइफ है मेरी, कि मैं वो लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मेरा व्लॉग बनाने का यही मकसद है कि जो मेरी लाइफ में सच है सारा कुछ, मैं वो बताता हूँ सारा कुछ। ऐसा नहीं है कोई ऐसा वैसा मतलब कुछ, और कोई प्राइवेट भी होता है वो गाइस आपको पता है कि नहीं बता सकते, तो वो तो आप सभी को पता ही है लगभग। तो इसलिए मेरा मकसद यही है कि मैं जो रियल मेरी लाइफ है वो बता सकूं सबको। एक बात और है गाइस, कि इतना हमारे पास इतना अभी बजट नहीं है कि कहीं बाहर जा सकें। एक बार तो नॉर्मल से ही व्लॉग बन रहे हैं, तो फिलहाल भगवान ने चाहा तो सब कुछ देगा। अरे भाई, तो गाइस आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और आपको जो नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें होंगी वो ज़रूर व्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज तो काफ़ी मतलब मज़ा आया, जो पुरानी यादें थी स्कूल की वो याद करके, मतलब बहुत कुछ याद आ जाता है गाइस जब पुरानी यादें याद करते हैं ना, ताज़ा करते हैं उनको, यादों को ताज़ा करते हैं, तो बहुत कुछ है जो वो याद आ जाता है। तो फ़िलहाल अब इतना ही बहुत था, तो फ़िलहाल अब चलते हैं। तो फिलहाल गाइस, काफ़ी मज़ा आया स्कूल में, फ़िलहाल अब घर पहुंच चुका हूं, तो अब देखते हैं। तो गाइस, आज हमारे घर में बन रहे हैं आलू और राजमा, तो फिलहाल तड़का लग रहा है। क्या खा रहे हो? केक खा रहे हो? केक खा रहे हो? बढ़िया लग रहा है। तो गाइस, थोड़ा शॉप पे आ चुके थे और थोड़ा काम कर लिया है, तो आपको चंदा मामा दिखाता हूँ। तो गाइस, स्कूल में गए थे, फुल मज़ा आया, तो फिलहाल भूख लग रही है, और शॉप पे भी गए थे तो इसलिए भूख ज़्यादा लग रही है। तो फिलहाल जल्दी से खाना खा लेते हैं, तो पहले दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, राजमा आलू बने हैं और रोटी है, आज गुड़ है साथ में। तो गाइस, खाना पीना तो हो चुका है, राजमा और आलू बने थे, फुल टेस्टी थे और फुल मज़ा आया। तो आज अपने गवर्नमेंट स्कूल में गए थे और कुछ पुरानी यादें थी वो ताज़ा की। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।